ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਟ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਟ ਕੋਈ। फाइनली योयो हनी सिंह पाजी ने अपनी मोस्ट अवेटेड एल्बम ग्लोरी ड्रॉप कर दी है, वो भी इसके फर्स्ट सॉन्ग मिलियनेयर की वीडियो के साथ में। मैं इस सॉन्ग का प्रॉपर रिव्यू आज रात की वीडियो में करूंगा, अभी मैं सिर्फ छोटा सा रिव्यू कर रहा हूं और आप सबको बता रहा हूं कि ग्लोरी पूरी एल्बम स्पॉटिफाई पे आ चुकी है। मैंने सारे के सारे 18 गाने सुन लिए और भाई साहब मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री की हनी पाजी ने फाड़ के रख दी है। मतलब क्या ही नेक्स्ट लेवल चीज आई है। IV2 और देसी कलाकार के बाद सबसे बड़ी एल्बम जो कि 10 साल से भी ज्यादा चलने वाली है वो यही ग्लोरी एल्बम है। हम सारे सॉन्ग्स का रिव्यू करेंगे लेकिन अभी हम लोग बात करें मिलियनेयर सॉन्ग की, तो भाई साहब क्या ही फाड़ू गाना है, क्या ही फाड़ू म्यूजिक है, क्या ही फाड़ू वीडियो है, क्या ही फाड़ू फ्लो है। इस सॉन्ग का हुक तो मेरे दिमाग में बैठ चुका है। इसमें हनी पाजी ने काफी ज्यादा फ्लैक्स तो किया ही है लेकिन साथ में उन्होंने अपने हेटर्स और दो फुद्दू आर्टिस्ट जियान और गिरफ्तार को भी रिप्लाई किया है। हनी पाजी ने बोला है कि 10 साल हो गए लेकिन अभी भी मैं इनके दिमाग में रेंट फ्री रहता हूँ। इनको रोज मैं अपनी मिडिल फिंगर्स पे पोल डांस कराता हूँ। वो लोग मेरा रिप्लाई मांगने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं, मतलब डिस वगैरह करते हैं लेकिन मैं उनको कोई भाव नहीं देता। 10 साल हो गए आज भी ओना दे सेंच में रेंट फ्री पोल डांस रोज मैं कराऊंगा बिलो उंगणा ते ऑप्स नु मतलब पूरी एल्बम के अंदर सबसे अच्छा हनी पाजी ने इन दोनों को इसी सॉन्ग में पेला है। जियान और गिरफ्तार का ये हाल देख के मेरी तो भाई बिल्कुल हंसी नहीं रुक रही। वैसे मिलियनेयर सॉन्ग ने अभी 1 घंटे के अंदर पूरे 4 लाख लाइक्स के साथ 1 मिलियन व्यूज कम्प्लीट कर लिए थे। ये सॉन्ग भाई साहब सिर्फ 1 ही घंटे के अंदर ट्रेंडिंग सेक्शन में नंबर 2 पे आ चुका था, वहीं अभी 2 घंटे बाद ये नंबर 1 पे आ चुका है। मतलब क्या ही खतरनाक रिस्पांस आ रहा है। ऑलरेडी एमिवे का डिस भी हनी पाजी के जस्ट नीचे ट्रेंड कर रहा है। मतलब आज दोनों भाई के बीच लड़ाई वाला सीन है, मजाक कर रहा हूँ। दोनों लेजेंड्स को एक साथ देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बाकी कल ही रात हमने मिलके ट्विटर के ऊपर जो ग्लोरी नंबर 1 पे ट्रेंड कराई थी उसको लेके हनी पाजी ने कुछ ऐसी स्टोरी लगाई है और लिखा है थैंक्स टू माई फैंस। खैर इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोरी पूरी एल्बम स्पॉटिफाई पे आ चुकी है, सो एल्बम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया है, आप लोग फटाफट से सारे गाने सुन लो। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलियनेयर सॉन्ग के प्रॉपर रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय।